Recently, an old video of Meloni surfaced on social media. The video shows Meloni speaking in Italian about Islam, how the religion has a compatibility problem with Europe. No place for Islam in Europe. ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का कि इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप. उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है. स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूं. सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर. तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है मेलोनी ने. इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा? इज इस्लाम इनकंपैटिबल विद यूरोपियन कल्चर? This question is currently buzzing across European capitals, in particular courtesy Giorgia Meloni. ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़े हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात है? देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही. नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप. ठोटे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो. ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं. ये कोई भी धर्म का हो उसको टाइट करो अच्छी तरीके से. लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वहां पे हिंदुओं ने कोई प्रोसेशन निकाला, कोई भीड़ निकाली और बोला कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो. यूरोप में चले जाएं, पूरी दुनिया में चले जाएं, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे नजर आएगा. मुसलमान हर जगह पे है. लेकिन अब जिस तरह इटली की वो जो है प्राइम मिनिस्टर है उसने ये बात की है, उसके अलावा ये है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तफाक करें. और वहाँ पर बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं. तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई. दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी का आपने बयान सुन लिया होगा किस तरीके से मुस्लिमों को लेकर उन्होंने बयान दिया, क्योंकि महज 20 साल के अंदर जो है पूरे यूरोप के अंदर जो है वो मुस्लिम कल्चर जो है वो फैलता नज़र आ रहा है. और इससे जो है यूरोप के कल्चर पे बहुत ही बड़ा जो है व्यवहारों में प्रभाव पड़ रहा है. ये जॉर्जिया मेलोनी कहना है कि जब से ये मुस्लिम लोग जो हैं यूरोप के अंदर आए हैं तब से ये जो है पूरी तरह से गंद मचा के रख दिए हैं. और उन्होंने कहा कि इन्हें जो है पूरी तरह से जो है बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि यूरोप में अगर ना मुस्लिम रहेंगे ना किसी प्रकार की जो है ये इसका कल्चर प्रभावित होगा. ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, इटली की प्रधानमंत्री हैं. इन्होंने कहा, इनका कहना है कि पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए. जब से ये 57 कंट्री ने सुना है, मुस्लिम कंट्री ने, कि जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट किया है तो सभी लोग हैरान हो चुके हैं बात को सुन करके. वही बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि आखिर में यूरोप से भी हम लोगों को भगाया जा रहा है. सभी जगह हम लोगों के कुत्ते की तरह भगाया जा रहा है. कहीं भी पाकिस्तानियों को जो है इज्जत नहीं मिल रही है. ये देख करके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही. नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप. एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए. जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है. क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं. तरह से आप देख रहे हैं कि मेलोनी के इस बयान के बाद के उसने कहा कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप. क्या कहना चाहेंगे दुनिया के अंदर? आपको नहीं लगता कि डे बाय डे कोई अदर कंट्री के अंदर, जिस तरह से आपने देखा तुर्की के अंदर मुसलमानों का बाइकआउट हुआ, तुर्की का मुस्लिम वो भी मुसलमान मुल्क है तुर्की भी, लेकिन वहाँ से भी निकाला गया. आप देख रहे हो कि दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का बाइकआउट, हमारा भी बाइकआउट हो रहा है तरफ से. क्या वजह था बाइकआउट होने का? बाइकआउट होने की वजह ये देखें ना, अब जिस तरह हमारे ये मुसलमान पे जुल्म करते हैं वहाँ पे जुल्म करते हैं, ठीक है, वो मुसलमानों को बुरा समझते हैं कि मुसलमान पता नहीं क्या है, उनके नज़दीक मुसलमानों की कोई वैल्यू नहीं है. तो ये काम उनके अपनी साई की है उनकी, ठीक है, जबकि हमें हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता. तमाम अकेले जितने भी अकेलते हैं अकेलतों को बराबर के हकूक दिए जाते हैं. वहाँ पर भी हमें कोई ऐसा कदम लेना चाहिए, हमें अपना यूएनओ में जाना चाहिए, इसके अलावा आवाज़ उठानी चाहिए ताकि यूएनओ वाले जाके हमारी मदद करें. हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है, हमारे जितने हमारी ओआईसी है उनका काम है मिलकर यूएनओ जाएं, यूएनओ में जाके अपने लिए आवाज़ उठाएं कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारे जो मुसलमान दूसरे ममालिक में रह रहे हैं उनके लिए वहाँ पर मस्जिदें तमीर करवाई जाएँ. दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ हिंदुओं की, बात कर लेते हैं हिंदुओं को किसी भी कंट्री का, अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर आज हिंदू है ऋषि सुनक, वहाँ पर आप देखेंगे हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाती है. आज अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की तकरीबन 10 टॉप 10 कंट्रीज के, टॉप 10 जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियन हैं, वो भी नॉन मुस्लिम हिंदू हैं. तो उनको इतनी पसीराई, उनको इतनी मतलब के वाह वाही, और हमें इतना मतलब के
डिस्करेज क्यों किया जाता है? अब बात ये है कि वो लोग मुसलमानों से डरते हैं, अच्छा, जो असल बात है। जब आप देखेंगे मुसलमान जब इकट्ठे थे ना, तब हमने सदियों पूरे मुल्कों पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। सिकंदर आजम मुसलमान था, आधी दुनिया फतह की उसने, ठीक है। वो पर दरअसल बात ये कि गद्दार आपके मुसलमानों के अंदर से निकलते हैं, ऐसे थोड़ी ना मीर सादिक मीर जाफर इनकी बातें होती हैं। गद्दार जब तक हमारी कौम से हमारे मुसलमानों से ख़त्म नहीं होंगे, तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कि क्या वजूहत ऐसी हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में अगर अमेरिका के अंदर हम वीज़ा लेने जाएं तो मुस्लिम कहकर तो वो हमारे इलाके से तलाशियां लेते हैं, दूसरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इतनी रिस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है हमारी? एक तो इनकी जो अपनी जो है ना अपना साइकी है, वो कहते हैं मुसलमान टेररिस्ट है, ठीक है। वो जैसे कि आप देखते हैं अफगानिस्तान में जिस तरह जो पीछे आपके हालात नहीं हैं, अब तालिबान उधर हुकूमत आई, अब अफगानिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट अपने पाकिस्तान में देखे होना है कि बहुत सारे टेररिस्ट अफगानिस्तान में आ रहे हैं। एक ये भी वजूहत हो सकती है कि इस्लाम मुसलमानों का ये काम करना, जिसकी वजह से जो हाल ही पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं ज़्यादा अफगानिस्तान ने हमला करवाए, और ये भी वजूहत है कि वो इस्लाम मुसलमानों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा बना लिया, अपनी इमेज खराब कर लिया है। उसके बाद उसामा बिन लादेन को पकड़ा, और उसामा बिन लादेन भी हमारे मुल्क से पकड़ा जाता है, हाँ जी, यहाँ से पकड़ता है। अभी कल के दाऊद इब्राहिमी की भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, इस तरह के हम अपने अंदर से की चीज़ें निकाल रहे हैं कि टेररिस्ट को, बाहर के टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। इससे आपको नहीं लगता कि पहले हम ग्रे लिस्ट में गए थे, अभी तो हम दोबारा ग्रे लिस्ट में ना चले जाएं? तो ऐसे ही अब देखें, जब आप ग्रे लिस्ट में गए थे, आप अल्लाह अल्लाह करके जाके ग्रे लिस्ट पे निकले थे, अभी मेरा रिसेंटली ईयर में आप निकले हैं, अभी ग्रे लिस्ट पे निकले हैं, ठीक है। अब वो ग्रे लिस्ट से जब आप निकले, आप दूसरे टेररिस्ट को पनाह गा देते हैं कि उनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज़ बदलते नहीं है। बल्कि यहाँ हमने कई मरतबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज़ में काफी बड़ी तादाद, अगर सब नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं आप हमारा कल्चर अडॉप्ट करें, तुसी कौन है, हम अगर इधर आए हैं तो ये पार्क अगर तुम लोगों ने बना दिए कोई बात नहीं, इधर कुत्ते लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें वायरल होती रही, इसके ऊपर हम बात भी करते रहे, डिबेट भी करते रहे, बेशुमार लोग ऐसे पाए जाते हैं। अच्छा, फिर करते क्या है कि आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ही हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं ना वो गेहूं के साथ घूम भी पी, तो ऐसे बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनका ये माइंडसेट नहीं है, लेकिन वो भी इसके अंदर अब वो पिसेंगे। तो उसमें वो करते क्या है कि एक तो ये कि अपना उनका नहीं अपनाना, ठीक है आपकी अपनी वो है आप अपना रखें, लेकिन उनके ऊपर जब आप अपना लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो गलत होगा। इसके ऊपर दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये कि जो सऊदी अरेबिया का है वो वहां से जो है वो फंडेड है। फिर ये बड़ी ही गहरी बात है और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। देखिए, पाकिस्तान में एक अरसे तक ये मसला रहा कि वहां पर जो फिरका वाराना फसादात होते रहे और जो एक सेक्टेरियनिज्म था वो जो फैला, उसमें एक बड़ी वजह ये बताई जाती रही बड़ी वजह ये थी कि वहां से पैसा आता था सऊदी अरेबिया से, और जो शिया सुन्नी फसादात थे वो होते थे। और क्योंकि अब तो खैर ताल्लुकात बेहतर हो गए ना ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं, लेकिन एक अरसे तक डैकेट्स तक उन बीच में जो चलता रहा उस बिना पे शियों को जो है वहां पे कत्लेआम होता रहा, और उसमें जो है ये उसके अंदर पैसा इस्तेमाल होता रहा। और वो अच्छा, फिर जो वहां पे एक माइंडसेट पाया जाता है कि पैन हमारा कुछ नहीं, बस ये तो हमारा सब कुछ जो है वो यही है, माई बाप, वो क्यों है? क्योंकि आपका तो कल्चर सब कॉन्टिनेंट है, आपकी जो कुर्बत है वो तो इंडियन कल्चर सब कॉन्टिनेंट कल्चर से ना, आपका तो वो कल्चर नहीं है, आप ऊंटों पे सफर करते हैं, आपका सहरा है वहां पर नहीं है, ये कुछ नहीं है, आप वो तो पहनते हैं नहीं, आपका कल्चर क्या है? आपका तो और है कल्चर, जिनसे कल्चर से आपकी मुमासलत है उनसे आप पीछे हट गए, दुश्मनी कायम कर ली, और फिर आपने उनकी उनके वहां से पैसा आया। फिर इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी जियाउल हक के दौर में बहुत ज्यादा पैसा आया वहां पर और ये सब चलता रहा। मैंने ये मिसाल आपको पाकिस्तान की इसलिए दी क्योंकि वहां पर ये होता रहा। इस्लाम की अब कोई भी जगह नहीं है यूरोप के अंदर, ये जॉर्जिया मेलोनी का बयान सुन करके पूरे पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम कौम को जो है बिल्कुल शौक सा लग गया है, बिल्कुल झटका सा लग गया है कि आखिर में यूरोप में ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम होगा किस तरीके से ये मुस्लिम यूरोप को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 20 साल पहले यूरोप में जो है कोई मुस्लिम नहीं था, जब तब ये यही लोग थे जो पीएम और लियम, यही लोग जो है उस पर मोरमोट भी किए थे, उन्हें फंड दिए थे और उन्हें जो है सपोर्ट किए थे, और आज वही जो मुसलमान जो यूरोप के अंदर जाकर बसे हुए हैं, एडॉप्ट हो चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम जो है यूरोप के कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि यूरोप जो है वो इस्लाम का कल्चर को फॉलो करेगा। इस तरह का बयान स्टेटमेंट आ रहा है वहाँ के जो है मुस्लिमों का,
और यही देख करके महज जो है 20 से 25 साल के अंदर पूरे यूरोप के अंदर जो है ये पूरी तरह से जो है मुस्लिम की तरफ प्रभावित होता जा रहा है, जिसको देख करके जॉर्जिया मेलोनी का जो है वो चीख उठी कि ये सब क्या कर रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए, जो कहीं से भी मुस्लिम आ रहे हैं यूरोप के अंदर इन पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बैन नहीं लगाया जाएगा तो बहुत ही बड़ा जो है यूरोप के कल्चर में बदलाव देखने को मिल रहा है और आगे भी चल के मिलता रहेगा। इस देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि आखिर में हम लोगों को हर जगह से भगाया जा रहा है।